अस्सलाम वालेकुम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर बॉटनी। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे थे, मतलब कंटिन्यू कर रहे थे, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। तो ये हमारे पास प्रपोज की थी स्केल्डन और टी स्केवन ने, ठीक है। इसके पोस्टुलेट्स ये थे, पहला था कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं, ऑब्वियसली बात है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि जो अगर हम लाइफ को देखते हैं तो जो सबसे छोटी चीज़ जिसके अंदर हमें लाइफ नज़र आती है स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, वो होता है सेल, सही है। ये इन्होंने पॉइंट बताया था। उसके बाद एक पोस्टुलेट जो इनका इन दोनों साइंटिस्ट से एक मिस्टेक हुई थी, उसको करेक्ट करके ऐड किया था रुडोल्फ वर्शो ने, उसने ये ऐड किया था कि हमारे पास सेल जो होते हैं वो हमेशा किसी एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होंगे। ये नहीं कि सेल खुद ही से नहीं बन जाता, सेल को बनाने के लिए हमेशा एक पहले वाला सेल होना चाहिए, उसकी डिवीजन होगी और तभी नया सेल बनेगा, ठीक है। ये सिंपल से 3 पोस्टुलेट्स से बुक में लिखे हैं, आपने याद करना था इसको। उसके बाद और करके पूछे हुए थे सेलियंट फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरियम, ये भी बुक में हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं, मैंने इसको 6 पॉइंट्स के अंदर कंप्रेस कर दिया। तो ये यही वाली बात कि साइनोबैक्टीरियम प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे होते हैं। सेल वॉल जो होती है उनकी डबल लेयर होती है। इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है यानी जो साइटोप्लाज्म होता है उसके हमें 2 रीजन नज़र आते हैं। एक आउटर रीजन होता है जो थोड़ा सा कलर्ड होता है, ठीक है, जिसको क्रोमोप्लाज्म कह देते हैं। और इनर रीजन जो होता है थोड़ा सा पेल होता है, लाइट सा होता है, कलरलेस होता है, इसको सेंट्रोप्लाज्म कह देते हैं। इसके अलावा इनकी हैबिटेट होती है एक्वेटिक, ज़्यादातर फ्रेश वाटर में होते हैं, कुछ कुछ मरीन वाटर के अंदर भी आपको मिलेंगे। दूसरी बात ये वाली बात कि जो क्रोमोप्लाज्म होता है, जो कलर इनका साइटोप्लाज्म होता है, वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनाइन की वजह से, जो कि ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और भी पिगमेंट होते हैं, ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से इसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन कलर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर बता दें कि इनकी रिप्रोडक्शन जो होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, ज़्यादातर एसेक्सुअली होती है, और वो होती है बाय हार्मोगोनिया, ज़ूस्पोर, एकाइनाइट, फ्रेगमेंटेशन। ये सारे पोस्टुलेट्स आपने फुल याद करने हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 था कि स्ट्रक्चर और फंक्शन बताना है किसी भी एक का माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस दिया हुआ था। वैसे जो सारे ऑर्गेनल और सारा जो सेल वाला चैप्टर है ना, वो पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट, सब कुछ ही पता होना चाहिए आपको उसके बारे में तकरीबन, ठीक है। तो पहले बता देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, कि हमारे पास इस तरह से रॉड शेप होता है। शेप तो उसकी बहुत वेरिएबल होती है, लेकिन ये होता है कि डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर जो होती है वो इनफोल्डिंग की तरह इस तरह से मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें जो ये इनफोल्डिंग्स बन रही होती है इसको क्रिस्टा कह देते हैं, क्रिस्टाए कह देते हैं। और इसके अंदर जो ये वाला जो स्पेस होता है ये इसका मैट्रिक्स होता है। यही सारी बात मैंने इसके स्ट्रक्चर के अंदर लिखी है। ये जो क्रिस्टाए होते हैं उसके ऊपर एंजाइम्स और कोएंजाइम्स होते हैं, और ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि जिसकी वजह से इसके डिफरेंट फंक्शन हो रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। और इसके फंक्शन में 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। क्यों कहलाता है? इसीलिए क्योंकि ये सिंथेसाइज कर सकता है ATP, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं, फूड पार्टिकल्स को, फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है उनकी मेटाबॉलिज्म से, किसकी मदद से जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स और कोएंजाइम्स लोकेट करे होते हैं इस क्रिस्टाए के अंदर, वो जो है वो हेल्प करते हैं ATP जनरेट कराने में। और दूसरा इनका रोल होता है एरोबिक रिस्पायरेशन में। इस तरह से 2 फंक्शन और थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपने डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद न्यूक्लियस का है कि इसका भी जो होता है वो शेप कुछ खास वो नहीं होता, वेरिएबल ही होता है। दूसरी बात ये कि ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसको न्यूरोपोर कहते हैं। इसके अलावा इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैरियोलिम्फ कहलाता है, और इसके साइटोप्लाज्म में हमारे पास जो होते हैं वो हमें नेटवर्क नज़र आ रहे होते हैं जो कि क्रोमेटिन नेटवर्क कहलाते हैं। इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास होता है DNA, जो इंपॉर्टेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर, और हमारे पास कुछ स्फेरिकल बॉडी 1 या 2 या इस तरह से नज़र आ रही होती है न्यूक्लियस के अंदर, जिनको न्यूक्लियस कहते हैं। ये सारा मैंने स्ट्रक्चर में बता दिया। उसके बाद फंक्शन में हम बता देंगे 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेल है, सेल के तमाम तर जो एक्टिविटीज़ होती है वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करवाता है, हमें पता है, क्योंकि यहाँ से होती है प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होती है, प्रोटीन बनाते हैं और तमाम तर चीज़ों को यही एक्ट वो करवाता है, कंट्रोल करवाता है। दूसरी बात ये कि इसका जो DNA होता है उसके अंदर हमारे पास जीन्स होती हैं, जो कि हमारा तमाम तर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो DNA के अंदर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया इसका। तीसरा क्या होता है कि इसके जो न्यूक्लियस होते हैं ना वो सिंथेसाइज करा, इसके DNA भी सिंथेसाइज करा सकता है RNA, और जो इसके न्यूक्लियस होते हैं वो सिंथेसाइज कराते हैं राइबोसोम कुछ यूकेरियोट्स के अंदर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था, कोई भी एक डायग्राम बनानी थी बैक्टीरियोफेज की डायग्राम, पेज नंबर 88 पर ये वाली फिगर 5.5 मैंने तो बहुत रफ सी बनाई हुई, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बैक्टीरियम की डायग्राम है 101 पे फिगर 6.1। और तीसरा उन्होंने दिया हुआ था फर्न प्रोथेलस, जो कि मैंने नेट से एक डायग्राम निकाली थी उससे देख के मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ कर दिया। आप इसको देख के स्क्रीनशॉट लेके ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जो फर्न की लाइफ साइकिल है ना उसके लिए भी मैं एक डायग्राम जो है वो यहाँ पे वीडियो में पेस्ट करती हूँ, ठीक है, उसको देख लें। उसमें थोड़ी सी डायग्राम क्रॉप हुई है, तो जो पूरी डायग्राम है लेकिन वो लेबल वाली नहीं है, वो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वो अनलेबल डायग्राम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक से देख सकते हैं।
और बाकी यहाँ पे मैंने फर्न ऑफ द प्रोथेलिस बना दी, और लाइफ साइकिल ऑफ फर्न के लिए भी मैं आपको वही वाली डायग्राम रेकमेंड करूँगी। मैंने खुद भी उसी डायग्राम की प्रैक्टिस की थी, मुझे बुक की सही लगी थी वाली डायग्राम, बुक से काफ़ी मिलती जुलती भी है और वो अच्छी भी है, थोड़ी डायग्रामेटिक टाइप की भी है जिस तरह की बनानी चाहिए। एक दफ़ा मैं आपको बुक में भी ये फिगर दिखा रही हूँ, ये वाली फिगर है ठीक है, बैक्टीरियो फेज की ये वाली फिगर बनानी है, और बैक्टीरियम की जो है वो ये वाली होगी ठीक है। ये वाली बैक्टीरियम की डायग्राम आपने प्रैक्टिस करनी है, फर्न वाली मैं बता चुकी हूँ। यहाँ तक आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।